अस्सलामु अलैकुम व आदाब नाज़रीन। आज एक हफ़्ता हो चुका है जो पुंछ और राजौरी सेक्टर है, जिसको डेरा की गली का सेक्टर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, वहाँ पर जो है वो सर्च ऑपरेशन लगा हुआ है, जहाँ पर हमारे 4 के करीब जवान जो है वो शहीद हुए। और एक एम्बुश था ये, जबकि आर्मी की गाड़ी पर जो पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम के जो जो मिलिटेंट ग्रुप है, जिनको बाजाबता तौर पर पाकिस्तान के आर्मी की सपोर्ट जो है वो साथ थी, उन्होंने एक्शन किया वहाँ पर और अभी उनकी तलाश जो है वो जारी है। इस बीच जो पिछला एक हफ्ता है उसमें जो है वो कुछ दुखद खबरें भी आई, जिसमें 3 सिविलियन को टार्चर किया गया, जो फौज पर हमारे इल्ज़ाम है कि उन्होंने सिविलियन को टार्चर किया और उसमें जो है वो मारे गए वो सिविलियन। उसके बाद एक दिल को दहलाने वाला वीडियो भी जो है वो सामने आया है और किस तरह से उनको जो है वो टार्चर किया गया है। इस बात का सीरियस नोट लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी जो है उसमें FIR दर्ज की है और उसमें इंक्वायरी शुरू की है और गवर्नमेंट ने जो है वो कंपनसेशन का भी ऐलान किया है और नौकरी का भी ऐलान किया है। हालांकि किसी गलत कदम को जो है वो नौकरी के साथ या कंपनसेशन के साथ जो है वो नहीं किया जा सकता है। पूरा जिन लोगों की इसमें जो है वो जान चली गई, जिन जो कस्टोडियल किलिंग्स बताई जा रही है, हमें उन फैमिलीज के साथ जो है वो पूरी जो है वो हमदर्दियाँ हैं। और मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो हमारी फोर्सेज है, चाहे वो आर्मी हो, CRPF हो, BSF हो, CISF हो या जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, ये एक एलीट फोर्स है। और हमने देखा है कि अक्सर जब किसी तरह के इस तरह के जो है खबरें आती है, जहां पर किसी सिविलियन के साथ गलत किया गया या किसी की कस्टोडियल किलिंग हुई या कानून को हाथ में लिया गया, उन केसेस में जो है वो कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और दर्जनों के हिसाब से आर्मी ऑफिशियल्स जिन्होंने गलती की है उनको जो है वो कोर्ट मार्शल भी हुआ है। इसी सिलसिले में जो पिछले दिनों जो वीडियोस आए हैं और जो 3 बदकिस्मत लोगों की जानें चली गई, उसके बाद जो है जो 13 राष्ट्रीय राइफल के जो सेक्टर कमांडर है उनको जो है वो हटाया गया है, वहाँ से उनको जो है वो अटैच किया गया है, जबकि जो ग्रुप कमांडर था और जो वहाँ का कमांडर था उसको भी जो है वो हटाया गया है। और बताया जा रहा है, जो एक मैं खबर बताऊंगा, जो जो द प्रिंट ने पिछले दिनों एक खबर की थी, उसके मुताबिक ब्रिगेडियर प्री आचार्या को जो है वो अटैच किया गया है और उसको जो है वो आप टीम यूज जो कि वहाँ पर एक हेड कर रहे थे, उसको टीम यूज्ड इन द आर्मी व्हेन ऑफिसर्स आर टेकन ऑफ ड्यूटी पेंडिंग ए प्रोब एंड डिप्लॉयड विद अनदर यूनिट ऑफ द हेडक्वार्टर। उनको जो है वो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन तक जो है वो दूसरे हेडक्वार्टर में जो है वो अटैच किया गया है। इसके अलावा बताया गया है कि जो न्यू ऑफिसर है उसने जो है वो वहां पर कमांड भी जो है वो संभाली है और जो ये वीडियो आया था उसको लेकर जो है वो आर्मी ने अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स की है। और इस बात का ये अंदाजा है कि आज हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जो है वो खुद जम्मू के इस वक्त दौरे पर है, वो जो डेरा की गली है पूंछ है वहां भी जाएंगे। इससे पहले आर्मी के चीफ मुकुंद साहब जो है वो भी वहां पर चले गए थे और उन्होंने भी जो है ऑपरेशंस की वहां जानकारी ली। और जो हादसा, जो बदकिस्मत हादसा जो है वो सामने आया, मैं एज ए जर्नलिस्ट और एज ए ट्रू नेशनलिस्ट में इस बात का एक चीज बताऊंगा कि लेट देयर बी इक्वल कंडेमनेशन ऑफ सच इंसिडेंट्स। यानी कि जो इंसिडेंट पुंछ में हुआ, जो 3 हमारे नौजवान जो है वो मारे गए, जिनकी एलिगेशन है कि उनको टार्चर करके जो है वो मारा गया और वो कस्टोडियल किलिंग में जो है वो मारे गए, उस पर जो है वो लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टेप्स ले रही ताकि इस तरह के जो चीज़ें हैं वो रिपीट ना की जाए। दूसरी तरफ से जो हमारे सोल्जर्स वहाँ पर शहीद हुए पुंछ की डेरा की गली में पाकिस्तान के टेरर अटैक में, उनकी जो 2 फौजों की कम से कम जो है उनकी लाशों को के साथ जो है वो बेहरमती की गई है, जो कि एक जो कंडेमेबल एक्ट है। वही मैं बोल रहा हूं कि लेट देयर बी इक्वल कंडेमनेशन ऑफ सच एक्ट्स। और जो पाकिस्तान यहां पर जो है वो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद फैला रहा है और सबसे बड़ा आज जो नार्को टेररिज्म है, और आज ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि 100 के करीब जो है पाकिस्तानी ड्रोन को जो है जो इंडियन एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने पिछले 1 साल में, यानी
यानी कि 2023 में जो है वो मार गिराया है। इनसे ज्यादातर ड्रग्स जो है वो ड्रॉप होते हैं, हथियार ड्रॉप होते हैं और एक्सप्लोजिव ड्रॉप होते हैं। और मैं बता दूं कि इतनी स्ट्रिक्ट विजिल होने के बावजूद भी, मैं बता दूं कि कल आपने सुना होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पर जो है वो हमास जैसे हालात पैदा हो सकते हैं और पाकिस्तान भी जो है वो कोशिश करेगा कि, जाहिर सी तौर पर बात है कि जिस तरह से हमास ने जो है टेरर अटैक किया है जो इसराइल में हुआ है, मैं बता दूं कि जो अटैक इसराइल पर हुआ है उसी तरह का की हिंट जो है वो यहाँ पर जो है वो जम्मू कश्मीर में भी जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज को जो है वो दी जा रही है और वो अलर्ट है। और जो राजौरी पुंछ का जो डेरा गली का जो इंसिडेंट है वो भी उसी जैसे अटैक की एक कड़ी है। जो फारूक अब्दुल्ला ने कल स्टेटमेंट दिया, कुछ लोग उसको ये बता रहे हैं कि शायद फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है वो धमकी दे रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उस स्टेटमेंट में वो स्टेटमेंट जो है वो एक आई ओपनर है हमारे लिए भी कि जो इसराइल में हुआ क्या वो यहाँ पर भी होगा, और क्या पाकिस्तान की मदद से जो लश्कर के आतंकी और जो हिज्ब के आतंकी है और जो तहरीक तालिबान के आतंकी जो अफगानिस्तान से कुछ डेजर्ट होकर जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, क्या वो जो है वो यहाँ पर इसी तरह के अटैक करेंगे जिस तरह से हमास ने जो है वो इसराइल में किया, और क्या जम्मू कश्मीर में भी फिर खून खराबा होगा। जाहिर सी तौर से बात है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 30 सालों से ज्यादा अरसे से जो है वो खून खराबा हो रहा है और जो पुंछ की जो सिचुएशन है वो एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है उसमें। हालांकि उसके बाद अखनूर में भी जो है वो इसी तरह की रिपीट करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर जो आर्मी के जो ट्रूप्स थे वो अलर्ट थे और उन्होंने उस ऑपरेशन को जो है उस कोशिश को जो है वो नाकाम कर दिया और उसमें कुछ पाकिस्तानी मिलिटेंट्स भी जो है वो मार गिराए गए। मेरी लोगों से अपील है कि जब तक लोग कोऑर्डिनेट ना करें और लोग जो है वो मदद ना करें तब तक जो है पाकिस्तान की नाकाम साजिशों को जो है यहाँ पर जो नापाक साजिशें हैं मैं कहूँगा उसको जो है वो कामयाब जो है होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर कोई यहाँ पर मरेगा वो हमारे ही अपने लोग होंगे, वो जम्मू कश्मीर के अपने लोग होंगे। इसलिए लोगों को चाहिए कि अगर वो इस तरह की कोई मूवमेंट देखते हैं या कहीं हथियार ड्रॉप करते हुए देखते हैं या कहीं ड्रग्स देखते हैं या कहीं इस तरह की एक्टिविटीज देखते हैं, उनको चाहिए कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करें, नियरेस्ट आर्मी यूनिट्स को इन्फॉर्म करें, जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उस पर को इन्फॉर्म करें। और मैं बता दूं कि अब जो है वो वक्त चला गया है कि कोई उनको तंग करेगा, सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन ड्रॉप कीजिए। आजकल हर डिस्ट्रिक्ट का जो है वो सोशल मीडिया पर नंबर अवेलेबल है, पीसीआर के नंबर अवेलेबल है, और अगर आपको कहीं कुछ ना मिले आप डायल 100 कर सकते हैं, वहां पर जो है वो आपको पुलिस से बात हो सकती है। आप अगर हम लोग अलर्ट नहीं रहेंगे तो राजौरी जैसे और पुंछ जैसे इंसिडेंट जो है वो होते रहेंगे, अनंतनाग जैसे इंसिडेंट होते रहेंगे, और हमें चाहिए कि एक अलर्ट रहना इस सिलसिले में। दूसरी तरफ से जो मैं बात कर रहा हूं, जो 3 सिविलियन के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और आर्मी ने जो और जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो स्टेप्स उठाए हैं उस तरह के हाथ से दोबारा ना हो, उनके खिलाफ जो है गवर्नमेंट ने यकीन दहानी दिलाई है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ या सीआईएसएफ जो भी हमारी फोर्सेज है वो एलीट फोर्सेज है और एक डिसिप्लिन और एक कोड के तेज चलती है, और इस तरह की एक्टिविटीज को जो है वो आज के मॉडर्न दौर में जो है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि आजकल के दौर में टेक्निकल एनालिसिस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप बगैर किसी को टार्चर किए हुए जो है इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं, उसके लिए काफी तरीके हैं, और हमारी जो सिस्टम है आज मॉडर्नाइज्ड है और जहां नहीं है उसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि जो ये पुंछ का जो ऑपरेशन है जो इस वक्त चल रहा है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए और जो लोग उसमें मुलविस है उनको जो है वो कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन मैं फिर से ये बताऊंगा कि जो इंसिडेंट पूछ में हुआ, जो सिविलियंस की किलिंग हुई, वो उसको जो है वो न सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम सब कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट्स जो है वो दोबारा रिपीट ना हो, और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है वो इस बात की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोका जाए। जब तक इन्फिल्ट्रेशन जो है वो नहीं रुकेगी तब तक जो है इस तरह के हादसे नहीं रुकेंगे। हालांकि अब काफ़ी पॉकेट्स में जो है
वो मैं कहूंगा कि 1-8% ही कुछ ऐसी सपोर्ट जो है वो अब यहाँ पर अवेलेबल है, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के, उनका भी जो है वो ऑलरेडी वो राडार में है सिक्योरिटी एजेंसीज के। और मेरी उन लोगों से अपील है कि जो इस तरह की एक्टिविटीज में जो है वो पाकिस्तान के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, वो अपने आप को जो है वो रीअसेस करें कि वो कहाँ की तरफ जा रहे हैं, और उस रास्ते से जो है वो पीछे आ जाए और जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करने में जो है वो मदद करे। क्योंकि जब तक, क्योंकि एक कहावत है, एक मछली भी पूरे तालाब को जो है वो गंदा करते, जब तक हमारी तरफ से एक भी लोग उन लोगों के साथ मिले हैं जो यहाँ पर कत्लोगारत कर रहे हैं, जो यहाँ पर ड्रग्स फैला रहे हैं। मैं बताऊंगा कि जब ड्रग्स किसी सोसाइटी में आती है, ना वो हिंदू देखता है, ना मुस्लिम देखता है, ना सिख देखता है। मैं बता दूं कि किश्तवाड़ में 1,000 के करीब ऐसे लड़के हैं, जिसमें अगर आप बात करेंगे, मैं बताऊंगा कि उत्सुक से बताऊंगा, ज्यादा मुस्लिम लड़के हैं जो ड्रग्स के शिकार हैं। जब ड्रग्स आता है जो पाकिस्तान से आ रहा है, ड्रोन्स के जरिए आ रहा है, बॉर्डर से आ रहा है, वो ना हिंदू देख रहा है, ना मुस्लिम देख रहा है, ना सिख देख रहा है, वो हर एक को जो है वो लपेटे में रह रहा है। और कश्मीर में हजारों लड़के जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, वो जो है वो ड्रग्स में मुलविस है और ड्रग एडिक्ट बन गए हैं, और ड्रग पेडलिंग के कारोबार में भी हमारे ही लोग ज्यादा शामिल है। और ये इस बात का जो है वो रिकॉर्ड, अगर जब जितने प्रेस नोट्स अगर पिछले 1 साल में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इशू किए हैं, पुलिस ने इशू किए हैं, उसमें अगर आप लिस्ट को देखेंगे, उसमें भी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही ज्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब पाकिस्तान वहां से ड्रग्स बेचता है, वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोगों को या सिखों को जो है वो अपना निशाना नहीं बनाता है, वो मुस्लिम्स को भी बनाएगा और बना रहा है, और हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उसमें ज्यादा शामिल है। यानी कि जो ड्रग्स आ रहा है पाकिस्तान से, वो एक साजिश है, उनको पैसा जमा करना है ताकि वो जम्मू कश्मीर में एक्टिविटीज को जो है वो जो है वो जाहिर तौर पर जो है कंटिन्यू कर सके, और जो लोग नौजवान हमारे ले रहे हैं, उनको उससे बात से साबित होता है कि पाकिस्तान को यहाँ के लोगों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अलबत्ता यहाँ के रिसोर्सेज और यहाँ की ज़मीन की जो है उनको ज़रूरत है। मैं नौजवान लोग जो ड्रग्स करते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पुलिस की मदद लेकर जो है उनको रिहेबिलिटेट करें, सोशल एक्टिविस्ट की लेकर मदद करें, उनको रिहेबिलिटेट करें। ये एक ऐसी बीमारी है, इसका इलाज भी मुमकिन है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसमें कि घर वाले जो है इसमें डीपली इन्वॉल्व हो, और जिनके बच्चे अभी तक ड्रग्स मेनेंस में इन्वॉल्व नहीं हुए, माँ बाप को चाहिए कि वो उन पर जो है वो नजर रखे, ताकि जो हमारे हो चुके हैं अब, तो उनको बचाने की जंग भी साथ में है, लेकिन जिनको निशाना बनाया जा रहा है, जो कि यूथ वर्नलेबर है ड्रग्स एडिटिंग के लिए, उन पर भी जो है वो माँ बाप को नजर रखने की जरूरत है। मेरी फिर से लोगों से अपील है कि वो पाकिस्तान की नाकाम साजिश, जो यहाँ पर नापाक साजिशें कर रहा है, उसको जो है वो नाकाम करने के लिए जो है एकजुट हो जाए, और जो ये ड्रग्स मेनेंस हैं या जो टेररिज्म वहां से आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर कीमती जाने जा रही हैं, उसको रोकने के लिए जो है हम सब लोगों को आगे आने की जरूरत है, ताकि इस बीमारी को जो है वो जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाए और जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाया जा सके, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है वो आपस में जो है वो भाइयों की तरह रहें, और एक कम्युनल हारमोनी और ब्रदरहुड जो है वो का मैसेज जो है वो जम्मू कश्मीर से जाए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।